बसमिल्लाम असल डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थ्री इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू टेन सेट ए है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सेट बी इज टू थ्री फाइव सेवन देन वेरीफाई द डिमोर्गन लॉज डिमोर्गन लॉस क्या होते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड द अदर लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये डिमॉर्गन लॉज हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन में भी पढ़े थे अब इनको हमने वेरीफाई कर रहे तो पहले फर्स्ट लॉ करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब चूंकि दो साइड्स हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अब कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का निकालने के लिए पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा फिर जैसा हमने पढ़ा हुआ है पहले कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो ए यूनियन बी पहले फाइंड किया सेट ए की जगह ए की वैल्यूज लिखी यूनियन का सिंबल सेट बी की वैल्यूज लिखी अब यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं तो वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफा लिखेंगे ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट हमारे पास फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स का सेट है वन टू थ्री अप टू टेन माइनस जो ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाली थी वो ए यूनियन बी की जगह पुट कर दी अब चूंकि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं हैं वो लिखे जाएंगे तो ये फोर सिक्स एट और टेन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में तो हैं लेकिन इसमें नहीं हैं ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व होगी इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस सेट ए लिखा अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है तो वो टू फोर सिक्स एट और टेन आ जाएंगे अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने और फिर इस ए कॉम्प्लीमेंट का और जो बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आएगा उसकी इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट वन से टेन तक था सेट बी हमें क्वेश्चन में गिवन है टू थ्री फाइव सेवन अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है तो वो वन फोर सिक्स एट नाइन एंड टेन आ गए अब ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट टू फोर सिक्स एट टेन था और बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला वन फोर सिक्स एट नाइन टेन अब इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स फोर सिक्स एट और टेन है ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया अब लास्ट बोर्ड पे इक्वेशन वन है हमारे पास और ये इक्वेशन टू है दोनों इक्वेशन से ये साबित हो रहा है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये फर्स्ट लॉ डिमोर्गल लॉ वेरीफाई हो गया अब सेकेंड डिमोर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट अब पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया सेट ए इंटरसेक्शन का सिंबल सेट बी अब इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स थ्री फाइव सेवन कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी में थ्री फाइव सेवन आ गया अब चूंकि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट वन से टेन तक माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं थ्री फाइव सेवन अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं हैं तो वन टू फोर सिक्स एट नाइन टेन थ्री फाइव और सेवन के अलावा बाकी तमाम लिख दिए तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व हो गई इसको हमने इक्वेशन वन कह दिया अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए लिखा अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है तो वो आ जाएंगे टू फोर सिक्स एट टेन अब बी कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट बोर्ड पे फाइंड करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट वन से टेन तक माइनस सेट बी टू थ्री फाइव सेवन अब वन टू और थ्री नहीं आएगा वो यहां पे मौजूद है फोर फाइव नहीं आएगा सिक्स एट नाइन एंड टेन ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया इस सेट के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं जो यहां पे नहीं थे अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट टू फोर सिक्स एट टेन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ वन फोर सिक्स एट नाइन टेन अब इन दोनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी है तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिंगल टाइम लिखेंगे तो ये वन टू फोर सिक्स एट नाइन एंड टेन ये हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया तो फ्रॉम वन एंड टू इट इज प्रूफ दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेरीफाइड लॉज तो दोनों लॉज को प्रूफ करना होगा और लॉज आपको जुबानी याद होने चाहिए जैसे यहां बुक में क्वेश्चन में लिखे हुए हैं लॉज जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखे हों तो इन लॉज को आपने जुबानी याद करना है अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे इफ यू इज इक्वल टू वन टू थ्री अप टू ट्वेंटी set x diya hai 1, 3, 7, 9, 15, 18 and 20 and set y is equal to 1, 3, 5 up to 17 then show that x minus y is equal to x intersection y complement. Now, here we 2 sides left hand side solve. Karenge. Left hand side we have x minus y set x likha minus set y लिखा अब सेट x के वो एलिमेंट्स जो सेट y में नहीं हैं तो वो सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे 18 और 20 क्योंकि ये ये फर्स्ट जो फाइव एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं हैं तमाम ऑड ऑड तो ट्वेंटी मौजूद हैं तो 18 और 20 ये x माइनस वाई का आंसर आ गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई इसको हमने इक्वेशन वन कह दिया राइट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट बोर्ड पर सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट अब एक्स की और वाई कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले हमें वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस वाई सेट यू हमारे पास है वन टू थ्री अप टू ट्वेंटी माइनस सेट वाई हमारे पास है वन थ्री फाइव अप टू सेवनटीन अब सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट वाई में नहीं है तो वन से सेवनटीन तक तमाम ऑर्ड नंबर सेट वाई में मौजूद हैं इसका मतलब है टू से एटीन तक तमाम इवन नंबर आएंगे सबसे पहले तो टू फोर सिक्स अप टू एटीन तक लिखा देन यहां पे नाइनटीन ट्वेंटी भी है यहां नहीं है तो नाइनटीन एंड ट्वेंटी भी आ गया तो ये हमारे पास वाई कॉम्प्लीमेंट का सेट निकल आया अब इस वाई कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है सेट एक्स के साथ तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट सेट एक्स लिखा इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का सेट जो आया था वो लिख दिया अब इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो गौर करें तो 15 तक तमाम ऑड है तो ऑड यहाँ पे कोई भी नहीं है तो सिंपली 18 और 20 ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट में एटीन और ट्वेंटी आ गया राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई इसको हमने इक्वेशन टू कह दिया